Hello students, welcome you all. Myself Professor Pramod More, and in today's lecture we are going to start with new concept, that is new topic we'll be dealing with, current electricity. अब बच्चों इसका कुछ पार्ट है ना, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. आज का जो भी लेक्चर रहेगा दैट विल बी मैक्सिमम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, 11वीं में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट एग्जैक्टली क्या होता है, ओके वही पहले कुछ रिकलेक्ट करेंगे और फिर हम 12 के कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल एंड इजीएस्ट टॉपिक, दैट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ बेसिकली कि जब 11th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो बेसिकली व्हाट इज बच्चों करंट. तो हमने जब करंट को डिफाइन किया था तो हमने करंट को लिखा था, यस बेटा, दैट्स डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स हम लोग लिखते थे I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. बराबर है बेटा, ओके. और हमने यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला बनाया था, दैट्स क्यू इज इक्वल्स टू आई टी. और सिंपल टर्म में हमने कहा था जाना ही था लाइफ से, तो क्यू आई थी. जहाँ पे क्यू को हम क्या कहते हैं, चार्ज. टी को हम क्या कहते हैं, टाइम. फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े थे, हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था करंट डेंसिटी के बारे में. दैट्स आई का और एक फॉर्मूला था, आई है तो चली जा. दैट्स करंट डेंसिटी जे इज डिफाइंड एज करंट अपॉन एरिया. पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होता है, उसे हमने क्या कहा था बेटा, करंट डेंसिटी. फिर हमने बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, दैट्स हमने डील किया था ओम्स लॉ के साथ. ओके, ओम्स लॉ क्या है बेटा, पढ़ा था हम लोगों ने. ओम कैसा इंसान है, ओम एक वीर इंसान है, दैट्स हमने पढ़ा था. वी इज इक्वल्स टू आईआर. ठीक है बेटा, ओम एक वीर इंसान है, दैट्स वी इक्वल्स टू आईआर. अब ओम्स लॉ जो होता है ना बच्चों, दैट इज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल सर्किट. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल सर्किट. बट अगर हमारे पास अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहता है तो हम लोग ओम्स लॉ के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो अ पर्सन कम अप विद न्यू कॉन्सेप्ट एक न्यू लॉस के साथ, और उनका नाम दे दिया हम लोग ने किरचॉफ्स लॉ. अब यहाँ पे किरचॉफ सर ने दो लॉ दिए थे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दैट्स कॉल्ड एज केसीएल. केसी है नहीं, केसीएल. केसीएल को हम लोग बेटा कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ. अब क्या होता है बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, यस, किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली हमें कहता है द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो. द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज समीशन आई इज इक्वल टू जीरो. सर ना ये जंक्शन क्या होता है, यस एनी आइडिया. ओके, सपोज बच्चों फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ से वसई से कहीं और जाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू गो टू यूपी एम, ओके, तो क्या डायरेक्टली हमें ट्रेन मिलता है, नहीं, हमें कहाँ जाना पड़ता है, दादर. तो दादर को हम क्या कहेंगे, जंक्शंस, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ट्रेन्स का मिलन होता है. ठीक है ना, वैसे करंट में भी अगर हम देखेंगे तो एक सिंपल सर्किट के साथ आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सर्किट है यहाँ पे, ओके, हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया, एक सेल कनेक्ट किया, ओके, और हर एक सेल के साथ क्या होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, तो जैसे हर एक मुन्ना भाई के साथ उसका क्या होता है बेटा, सर्किट, वैसे हर एक सेल के साथ कौन है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये सेल है और ये उसका कौन है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस. ये ऐसे हमने कुछ ड्रॉ करके रखा. ठीक है बच्चों, ओके, अभी अगर हम देखेंगे, सपोज यहाँ से करंट, ये सेल को नाम दिया E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये सेल को नाम दिया E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसको नाम दिया E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3. सपोज यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों I1 प्लस I2, वही करंट यहाँ से यहाँ तक आया I1 प्लस I2. नाउ ये जो पॉइंट पे आया तो करंट क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया. अब जब करंट डिवाइड होगा तो करंट कितने पार्ट्स में जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे करंट जाएगा, सपोज हम मान के चलते हैं यहाँ पे करंट जा रहा है I1 और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है बच्चों I2.
यही आई टू यहाँ से यहाँ तक जाएगा आई टू, यही आई टू यहाँ से यहाँ तक जाएगा आई टू, और यही आई टू यहाँ से यहाँ तक जाएगा आई टू। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, यही करंट आई वन यहाँ से जा रहा है आई वन, यही करंट यहाँ से जा रहा है आई वन, और यही करंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जिसको नाम क्या देंगे बच्चों हम लोग आई वन। कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, जब यहाँ पे आई वन गया या आई टू गया, यहाँ पे जो करंट का दोनों का एडिशन होगा ये पॉइंट पे, दैट्स आई वन प्लस क्या मिलेगा बच्चों आई टू, और वही करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, दैट्स आई वन प्लस क्या मिलेगा आई टू। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सो अब देख रहे हो, अगर हम इसे नाम देंगे बेटा ए पी सी डी ई एफ, तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको बी और ये पॉइंट ई, ये पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है बच्चों डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, और ये पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है बच्चों एड अप हो रहा है आई वन प्लस आई टू। तो जिस पॉइंट पे करंट डिवाइड होता है या जिस पॉइंट पे करंट एड अप होता है, ऐसे पॉइंट को पढ़े लिखे लोग हम लोग कहेंगे जंक्शन। तो जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द करंट आइदर डिवाइड्स और एड अप्स। जिस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा या एड होगा उसे हम क्या नाम देंगे बेटा जंक्शन। अभी आप देखोगे यहां से लेके यहां तक करंट सेम है आई वन प्लस आई टू, यहां से लेके यहां तक करंट सेम है आई वन, यहां से लेके यहां तक करंट सेम है कितना बच्चों आई टू। तो इसे हम लोग कहेंगे ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है ये वो पार्ट होता है जहां पे आपका करंट सेम, दैट्स करंट इज स्टेडी, करंट इज स्टेडी, करंट इज कॉन्स्टेंट, करंट विल बी सेम। तो जहां पे करंट आपका सेम रहेगा, जहां पे करंट आपका स्टेडी रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा ब्रांच। नेक्स्ट, अगर आप देख रहे हो ये पूरा एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, एंड दिस क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम लोग कहेंगे लूप। क्या कहेंगे बच्चों? लूप। तो लूप का मतलब क्या होता है? अ क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो अ क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, दैट्स कॉल्ड एज लूप। क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? लूप। तो तीन पॉइंट्स हमारे हो गए, एक हो गया जंक्शन, एक हो गया ब्रांच, और एक क्या हो गया बच्चों? यस, एनी आइडिया? लूप, वेरी गुड। तो अभी जंक्शन देखते हैं। तो जंक्शन का मतलब जहां पे करंट या तो एड अप होगा या तो क्या होगा, करंट क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। व्हेनेवर द टर्म अलजेब्रा इज इन्वॉल्व, जब भी अलजेब्रा एक ऐसा टर्म इन्वॉल्व होगा, देयर हैज टू बी अ साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लिखे इन्होंने? सबसे पहले साइन कन्वेंशन जो उन्होंने लिखा वो लिखा फर्स्ट साइन कन्वेंशन, करंट flowing towards a junction, current flowing towards a junction are considered as positive. यार taken as positive लिखा तो भी चलेगा, इतना बड़ा spelling नहीं आएगा, तो are taken as positive. And second law क्या कहता है? second sign convention क्या कहता है? current flowing away from the junction, current flowing away from the junction are taken as negative. Current flowing toward the junction are taken as positive, and current flowing toward the away from the junction are taken as negative. Suppose हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक point लेंगे, ये junction को हम नाम देंगे O. अब देख रहे हो यहाँ पे ये current suppose यहाँ पे आ रहा है, ऐसे कुछ हम ब्रांचेस बनाएंगे। यहां से करंट अगर हम देखते हैं तो यहां से करंट सपोज आई वन ये जंक्शन की तरफ आ रिया है, ये जंक्शन से दूर जा रिया है, ये जंक्शन की तरफ आ रिया है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड सपोज इट इज मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, ऐसे करंट लिया। तो इनके अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जंक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब हम लिखेंगे I1 को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड द जंक्शन, I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस I2। I3 आ रिया है, हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस I3। I4 जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस I4। I5 आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस I5 इज इक्वल्स टू जीरो। दैट्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रहेगा आप लोग को। तो इसका मतलब अगर बच्चों ये दो नेगेटिव है, वहां पर चलिए क्या बनेगा? वेरी गुड, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे? आई वन प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव इज इक्वल्स टू आई टू प्लस आई थ्री, वेरी गुड। ये समझा सब लोग को? ओके, आई टू सॉरी
प्लस आई फोर, ये समझा सबको? यस। अब बेसिकली अगर हम देखेंगे, अगर आपको कोई कॉल आता है हम उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, इनकमिंग कॉल। और हम किसी को कॉल करते हैं तो वेरी गुड, आउट गोइंग कॉल। वैसे ही करंट आ रहा है ना बेटा, तो सब कहेंगे इनकमिंग करंट। तो जितना भी यहां पे इनकमिंग करंट है, सारे इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सारे, यस वेरी गुड, आउट गोइंग करंट। तो सारे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सारा आउट गोइंग करंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो जितना भी इनकमिंग होगा उतना ही क्या होगा यहां पे आउट गोइंग। अब करंट क्या होता है? करंट इज रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है। इसका मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। ठीक है बेटा, करंट रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, बराबर है बच्चों? तो जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाने वाला है। इसलिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और हम एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बोलेगा यहाँ पे, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। दैट्स किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, याद रहेगा आप लोग को? तो व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, दैट समेशन आई इज इक्वल्स टू जीरो। जब भी अलजेब्रा ऐसा टर्म इन्वॉल्व होता है, देयर हैज टू बी अ साइन कन्वेंशन। फर्स्ट साइन कन्वेंशन, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव। वेरी गुड बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे? ये सारे कंसेप्ट समझा आप लोग को? यस, परफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग देखेगा, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, बराबर है? अगर ये ब्लॉक को मैंने धक्का मारा यहां से 5 न्यूटन से, और यहां से धक्का मारा मैंने 5 न्यूटन से, तो ये ब्लॉक मूव होगा नहीं होगा? सर कैसे मूव होगा? यहां से 5 न्यूटन, यहां से 5 न्यूटन, द ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बराबर? ये तो हमने पढ़ा था फिजिक्स में, फोर्स में, बराबर है? क्यों? क्योंकि फोर्स होता हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर कहता है कि भाई अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे ना, तो आप हम आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वेक्टर का कहना था कि ऑपोजिट डायरेक्शन, वेरी गुड बच्चों, क्या था उनका कहना? ऑपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन। लेकिन आप यहां पर देखो, अगर ये जंक्शन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ये जंक्शन की बात करेंगे, यहाँ से करंट आ रहा है सपोज 5 एम्पियर का, और यहाँ से करंट आ रहा है सपोज 5 एम्पियर का, याद आ रहा है आप लोग को? तो क्या होगा? सर इसके अंदर तो 10 एम्पियर का माता जी आएगा, बिकॉज ये करंट भी पॉजिटिव जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये करंट भी पॉजिटिव बिकॉज जंक्शन की तरफ आ रहा है। और जब जंक्शन की तरफ आ रहा है, दोनों हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। दोनों क्या होने वाला है? एड अप होने वाला है। और कितना मिलने वाला है? 10। मतलब ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आऊंगा ना, तो आप लोग को मुझे क्या करना है? आप लोग को मुझे ऐड करना है। इसका मतलब उससे वेक्टर के लॉ को ऑबे नहीं किया, ओके? बट करंट के पास डायरेक्शन था, अब डायरेक्शन है बट वेक्टर के लॉ को ऑबे नहीं करता, तो वेक्टर बोलता अगर तू मेरे लॉ को ऑबे नहीं करेगा, तेरे को मेरे पास रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको निकाल दिया। तो क्या है करंट? तो जब कोई पूछेगा व्हाट इज बेसिकली करंट, तो हमारा आंसर आएगा करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, या तो टेंसर बोलो, अगर टेंसर नहीं दिया है तो स्केलर, स्केलर या वेक्टर में स्केलर, स्केलर वेक्टर, टेंसर में टेंसर। टेंसर क्वांटिटीज हमने पढ़ा था बच्चों, टेंसर क्वांटिटीज वो होता है जिसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, बट वो वेक्टर के लॉ को ऑबे नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, क्या कहते हैं बेटा? टेंसर क्वांटिटी। कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो करंट इज विच क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। यूनिट क्या रहता है करंट का? एम्पियर। ठीक है, और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, हमने किरचॉफ के लॉ के पास क्यों गए थे? क्योंकि ओम लॉ वॉज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल सर्किट्स, ओके? अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है तो हमारे पास किसके पास जाना पड़ेगा? किरचॉफ करंट लॉ। एंड किरचॉफ करंट लॉ, दैट्स किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा ये वाला पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, यस, कॉपी। Yes, so now starting with next law, that will be dealing with Kirchhoff's second law. अभी Kirchhoff's second law क्या कहता है? Kirchhoff's second law basically, इसको हम लोग नाम लिखते हैं बेटा, that's KVL. KVL मतलब इसको कहा जाता है Kirchhoff's voltage law.
पिछला बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. नाउ एग्जैक्टली क्या है इसका डेफिनेशन. ओके किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो. द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल्स टू जीरो. अगेन बच्चों वेर एवर द टर्म क्या है बेटा अलजेब्रा इज इन्वॉल्व देयर हैज टू बी अ साइन कन्वेंशन. अब सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बारे में डील करेंगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या बनेंगे. सबसे फर्स्ट साइन कन्वेंशन व्हाइल गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ करेंट टेक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है V is equals to IL. Yes, whenever there is resistance, वहाँ पे हमेशा पोटेंशियल का क्या होता है बच्चों ड्रॉप होता है. सो जब भी आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे whenever going in direction of current, take IR as negative. And second, while going in opposite direction of current, जब भी आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे ओके बच्चों सो टेक आईआर एज पॉजिटिव. जब भी करंट के डायरेक्शन में जाओगे आईआर को क्या लोगे बच्चों नेगेटिव. एंड जब भी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे हम क्या लेंगे करंट को क्या लेंगे पॉजिटिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. जब भी आएगा रेजिस्टेंस देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल ड्रॉप. रेजिस्टेंस हम लोग को अपोज करता है कंफर्म है कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे वेस्ट होगा हमारा. ये पॉइंट को ए नाम देंगे ये पॉइंट को हम क्या नाम देंगे बच्चों बी. हमारा डायरेक्शन है ए टू बी हम भी ऐसे जा रहे. सो अगर मैं यहां से जाऊंगा तो सबसे पहले कैसे लिखने का वी है हम भी ऐसे जा रहे करेंट के साथ. तो करंट के साथ जा रहे हो तो व्हाइल गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट टेक आईआर एज नेगेटिव. मैं लिखूंगा माइनस आई मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू सामने वाला पॉइंट जहां पे आपको खत्म करना है एंड करना है दैट्स वीवी. वहीं पे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से होता ये हमारा रेजिस्टेंस है ये पॉइंट को नाम दिया ए ये पॉइंट को हमने नाम क्या दिया बच्चों बी. करंट ऐसा बह रहा है हम ऐसा आ रहा है. सो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा है बच्चों अपोजिट. तो बेसिकली जब मैं यहां से शुरुआत करूंगा मैं लिखूंगा वी बी. हम करंट के कहां जा रहे हैं बच्चों कैसे डायरेक्शन में जा रहा है अपोजिट. सो आई विल बी टेकिंग दिस एज पॉजिटिव दैट्स आईआर प्लस आईआर क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस आर बन के चल रहा है. और सामने वाले के पास रुक जाने का कौन है सामने वाला पॉइंट ए जहां पे एंड होगा उसको हमेशा सामने लिखने का दैट्स. तो ये हमारा डायरेक्शन मतलब किस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करने का. तो अभी आप लोग बोलते रहोगे सर ऐसा क्यों कि सेम डायरेक्शन आपने करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपने नेगेटिव लिया और करंट के ऑपोजिट जा रहे हो तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं व्हाई. उसका रीजन क्या होता है सी हमने ये पढ़ा है बच्चों हम जो भी करंट की बात करते हैं वो होता है कन्वेंशनल करंट. बराबर है बच्चों यस क्योंकि हमने वो हमारे कन्वीनियंस के लिए यूज किया गया करंट था. अब बेसिकली करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होता है फ्रॉम हाई टर्मिनल टू लो टर्मिनल फ्रॉम हाई पॉइंट टू लो पॉइंट. अगर हाई पॉइंट यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सो ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट लो पोटेंशियल. इसका मतलब आप हाई लेवल से लो लेवल जा रहे हो. जब आप हाई लेवल से लो लेवल पे जाओगे आपके पोटेंशियल में क्या होगा गिरावट होगा. एंड गिरावट होगा इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों माइनस पोटेंशियल गिर रहा है ये समझा. इसलिए अगर आप देखोगे ना तो इसको आगे बढ़ के हम ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी ये नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव इज इक्वल टू प्लस आई एल क्योंकि ए हाईएस्ट पॉइंट पे था एंड बी वाज एट लोवेस्ट पॉइंट. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है समझा बच्चों. तो ये हाई लेवल पे था ये लो लेवल पे था दोनों का डिफरेंस क्या आएगा पॉजिटिव आएगा. देखो ना ये नेगेटिव वहां पे जाके क्या बनेगा पॉजिटिव. बट वहीं पर अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे वी बी
माइनस वी है, तो ये नेगेटिव वहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव, तो हम लोग सॉरी पॉजिटिव वहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो मतलब हम कहाँ आ रहे हैं, हम लो लेवल से कहाँ आ रहे हैं हाई लेवल, अब जब लो लेवल से हाई लेवल पे आओगे तो आपके पोटेंशियल में क्या होगा, यस वेरी गुड इट विल इंक्रीज, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हम लोग क्या लेंगे प्लस लेंगे, क्लियर विद दिस। तो हाई लेवल टू लो लेवल जा रहे हो पोटेंशियल में गिरावट होगा माइनस आईआर लेना, लो लेवल टू हाई लेवल आ रहे हो पोटेंशियल में बढ़ोतरी होगा, क्या लोगे वेरी गुड बच्चों प्लस आईआर। तो एकदम सिंपल, व्हाइल गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट टेक आईआर एज नेगेटिव, व्हाइल गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ करंट टेक आईआर एज पॉजिटिव, ये दो हो गया। अब सेकेंड, ये तो हमारा हो गया साइन कन्वेंशन किसके लिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। सेम हम लोग को साइन कन्वेंशन पढ़ना है किसके लिए, यस ईएमएफ के लिए। अब ईएमएफ का साइन कन्वेंशन क्या लिखते हैं हम लोग, व्हाइल एंटरिंग द सेल, व्हाइल एंटरिंग द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, while entering the cell from positive terminal take E as negative, and fourth point while entering the cell, English is not important over here, concept is important, from positive terminal, while entering the cell from positive terminal take E, sorry, from negative terminal take E as positive. जब भी आप सेल को एंटर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां से ऐसे बढ़ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एक सेल है बराबर है, सेल का ई एम एफ हमने मान के चल रहे ई है, ये पॉइंट को नाम देंगे ए, ये पॉइंट को क्या नाम देंगे बच्चों बी, हम ऐसे जा रहे हैं, दिस इज अवर डायरेक्शन, तो वी है, हम सेल को कहां से एंटर कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से, हम माइनस ई लेंगे इज इक्वल टू सामने वाला पॉइंट, क्या लिखेंगे बच्चों वी वी। बट वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये सेल है, ये पॉइंट को नाम देंगे ए, ये पॉइंट को नाम देंगे बी, हम ऐसे आ गए, यहाँ पे हम ऐसे जा रहे थे, अभी हम बी से ये तक आ रहे हैं, सो हम क्या लिखेंगे वी वी लिखेंगे। आपने सेल को कहाँ से एंटर किया, यस वेरी गुड, फ्रॉम विच टर्मिनल, यस नेगेटिव टर्मिनल, तो उसको हम क्या लेंगे ये प्लस ई इज इक्वल टू सामने वाला पार्टी, दैट्स वी एम। तो अगेन आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों, सेल को एंटर कर रहे हो नेगेटिव टर्मिनल से उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सेल को एंटर कर रहे हो पॉजिटिव से उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। जब भी आप यहाँ से एंटर कर रहे हो मतलब पॉजिटिव हाई लेवल होता है, इट इज हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, अगेन आप हाई लेवल से लो लेवल जा रहे हो, अगेन आपके पोटेंशियल में गिरावट होगा, इसलिए माइनस लेना है। और जब यहाँ की बात करेंगे हम बी से कहाँ आ रहे बच्चों ए, हम क्या जा रहे हैं नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, तो इसका नाम लो लेवल से कहाँ जा रहे हैं हाई लेवल, हम लो लेवल से हाई लेवल जा रहे हैं इसलिए हम क्या लेंगे बच्चों पॉजिटिव, लो लेवल से हाई लेवल मतलब पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते जाएगा, हाई लेवल से लो लेवल पोटेंशियल घटते घटते जाएगा, सिंपल सी बात है, याद रहेगा बच्चों। तो ये चार पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसको रट डाला, यस वेरी गुड उल्लाला, ठीक है बेटा। तो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल्स टू जीरो, इसको लिखना कैसे, इसको हम लिखेंगे समेशन ई प्लस समेशन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है आईआर, वी इज इक्वल्स टू आईआर, तो समेशन ई प्लस समेशन आईआर इज इक्वल्स टू जीरो, ओके। अब ई हमने जैसे पढ़ा था, जितना भी एनर्जी हम देते हैं ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बराबर, इट्स नॉट अ फोर्स, इट्स अ एनर्जी टू स्पेंड या टू सर्क्यूलेट अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, पूरे कंप्लीट सर्किट में जितना भी एनर्जी देने का काम है वो कौन करता है बच्चों ईएमएफ, चार्ज को एनर्जी देता है, वो बोलता है चार्ज को घूम के जा, चार्ज जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है बच्चों। तो चार्ज वो पूरा एनर्जी पूरे सर्किट में सर्कुलेट करता है, तो जो ईएमएफ जो सेल एनर्जी देता है वही चार्ज सर्कुलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट हो रहा है, और इसलिए हम कहेंगे इससे किरचॉफ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी ईएमएफ दे रहा है वही बाकी लोग यूज कर रहे हैं, सो इट इज सिंपल जो सेल दे रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम इसे कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
किरचॉफ सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको क्या नाम दिया था KCL, इसे क्या नाम देंगे हम लोग KVL, याद रहेगा। क्या कहता है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल्स टू जीरो, PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। व्हेनेवर द टर्म अल्जेब्रा इज इन्वॉल्व देयर हैज टू बी अ साइन कन्वेंशन, करंट के साथ नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट पॉजिटिव, सेल को एंटर कर रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल को एंटर कर रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, कंसेप्ट समझा, यस लिख लो। चलो कुछ बेसिक सम देखते हैं अभी, मतलब किस तरीके से होता है एग्जैक्टली, अगर हम देखेंगे KCL KVL दोनों एक साथ अगर अप्लाई करना है तो, ठीक है। हमने एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया है, ठीक है, यहाँ पे I1 है, यही करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा। सपोज हम यहाँ पे करंट अप्लाई करते हैं, हम अज्यूम करते हैं I2, यहाँ पे करंट अज्यूम करते हैं ये ब्रांच में I3, नाम दे देते बेटा ABCDEFA, ठीक है। यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ पे करंट I2 है, ये पॉइंट है, यहाँ से सेम करंट जाएगा I2, बिकॉज हम इसे क्या कहेंगे बच्चों ब्रांच, CD को भी हम क्या कहेंगे बच्चों ब्रांच, सेम करंट जा रहा है, यही करंट यहाँ से आता जाएगा, ये पॉइंट पे करंट क्या होगा, यहाँ से I2, यहाँ से I2, ये I1 आ रहा था मान के चलते हम, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे भी कितना करंट जा रहा है I1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉइंट B है, बराबर है, तो B को हम क्या नाम देंगे, B एंड E को हम क्या नाम देंगे, वेरी गुड बच्चों, जंक्शन, बिकॉज यही पॉइंट पे करंट का क्या हो रहा है, या तो एडिशन बाइफर्केशन हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे एट जंक्शन बी, कौन से पॉइंट पे बेटा, एट जंक्शन बी क्या हो रहा है, एट जंक्शन बी कितना करंट आया था बच्चों, वेरी गुड, इनकमिंग करंट I1, आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू I2, I3, I3 भी यहाँ से करंट जा ही रहा है ना बच्चों, तो I3, तो I2 प्लस क्या होगा बच्चों I3, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, जितना करंट आया था उतना करंट जाएगा, ये हमारे जंक्शन का बात हुआ। एट जंक्शन क्या होता है बेटा, बी, हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, वी हैव अप्लाइड KCL, दैट्स किरचॉफ्स करंट लॉ, वेरी गुड। अगर हम आगे बढ़ेंगे एकदम सिंपल टॉपिक के साथ, अगर मुझे भी बात करना है KVL, अब KVL कैसे अप्लाई करना है ध्यान देना, हाउ टू अप्लाई KVL, हम पहले बात करेंगे अप्लाइंग KVL, दैट्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू लूप, कौन सा लूप, ABEFA, पूरा एक क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, क्या कहते हैं हम लोग उसको, वेरी गुड लूप। तो कहां पे अप्लाई किया हम लोग ने, ABEFA, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कहां से आएंगे हम लोग, ए से कहां जाएंगे बच्चों, बी, ए से बी, कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखा मतलब सिर्फ करंट है, क्या वहां पे कोई पोटेंशियल, मतलब वहां पे कोई रेजिस्टर है, नहीं, वेन एवर देर इज रेजिस्टेंस देर हैज टू बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, दैट्स इट, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे, बी से कहाँ चलेंगे बच्चों, ई, यहाँ से हम ऐसे गया, हमने सेल को कहाँ से एंटर कर रहे, वेरी गुड, वी आर एंटरिंग द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो टेक ई एस नेगेटिव माइनस ई टू। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम करंट के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड, करंट भी ऐसा बह रही है, हम भी ऐसा जा रही है, हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन क्या ऐसा है, सेम टू सेम, तो क्या आएगा माइनस I2 R2, I2 इज अ करंट, R2 इज अ रेजिस्टेंस, दैट्स क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब यहां से तक कुछ नहीं है, अब यहां से तक कुछ है नहीं, कोई है नहीं, चलो आगे बढ़ो यहां से तक, चलिए हम भी ऐसे, करंट भी ऐसे, हमारा डायरेक्शन करंट डायरेक्शन कैसा है, सेम, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस I1 के साथ क्या लिखेंगे, R1। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, हमने यहां से आगे बढ़े, हमने सेल को कहां से एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव, व्हाइल एंटरिंग द सेल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टेक यस, वेरी गुड बच्चों, पॉजिटिव, तो प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, E1 इज इक्वल टू शून्य, ये हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, एनी डाउट ओवर हियर, वेरी गुड। अभी अप्लाई करते हैं, सेम हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अप्लाइंग KVL टू लूप, बोलो बच्चों कौन सा लूप, ये वाले लूप पे चलते हैं, BCDEB, BCDE, चलिए बी से सी, कुछ दिखा नहीं, कुछ दिखा मतलब या तो सेल देखने का या तो रेजिस्टेंस देखने का, ये दो में से, ठीक है, वायर नहीं देखने का,
ठीक है यहां से आगे बढ़ते हैं, चलो एंटर कर रहे हैं। आप लोग सेल को कहां से एंटर कर रहे हो? सर हम तो एंटर कर रहे पॉजिटिव टर्मिनल से। तो व्हाइल एंटरिंग द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टेक यस। अरे वेरी गुड सबास, नेगेटिव माइनस E3। अब आगे बढ़ा करंट के साथ, करंट के साथ नेगेटिव I3 R3। यहां से आते हैं कुछ है नहीं, ऐसा जाना है अभी हमें। B से C हो गया, C से D हो गया, अब 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 D से कहां गए E, कुछ नहीं दिखा। अब E से कहां जाना है B, ओके। अब बोलिए करंट ऐसा आ रही है, हम ऐसे जा रही है, हमारा डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। तो हम क्या लिखेंगे बोलो? माइनस I2 के साथ R2। लेकिन क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस। क्यों? व्हाइल गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्ट ऑफ करंट पॉजिटिव, हम ऐसे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, सेल को कहां से एंटर कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से। जो भी एंटर करता है पॉजिटिव से क्या लेता है मेरा भाई? नेगेटिव। और एंटर करेगा नेगेटिव से क्या लेगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखेगा हम यहाँ पे? दैट्स प्लस C2 इज इक्वल टू शून्य। दैट्स इट। कोई डाउट का शक? वेरी गुड। अभी एक बड़े लूप में अप्लाई करते हैं क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब दैट्स अप्लाइंग या अप्लाइंग KVL टू लूप। कौन सा लूप? ए बी सी डी ई एफ ए, ए बी सी डी ई एफ ए। चलो स्टार्ट करें। ए बी सी डी ई एफ ए। ए से बी कोई है? नहीं। बी से सी कोई है? नहीं। सी से डी है। कौन है? सेल। कहां से एंटर कर रहा है? पॉजिटिव। क्या लिखेगा? वेरी गुड बच्चा, नेगेटिव। चलो आगे बढ़ो। करंट के साथ करंट के ऑपोजिट, करंट के साथ क्या लिखेंगे? माइनस I3 R3। बड़ा 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 कोई है? कोई है? कोई है? है। करंट के साथ करंट के ऑपोजिट, करंट के साथ। तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस I1 के साथ R1। कहां से एंटर कर रहे हो अभी तुम ये सेल को? नेगेटिव टर्मिनल से। क्या लिखेगा तुम लोग? पॉजिटिव। तो दैट्स प्लस E1 इज इक्वल टू शून्य। समझा बच्चों? कोई डाउट है यहाँ पे? इस तरीके से हम लोग को क्या अप्लाई करना है? KVL या फिर KCL, ठीक है? किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, सो आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट लॉ पढ़े, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्यों पढ़े? क्योंकि ओम्स लॉ सिर्फ सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए काम करता था, ना कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। उसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना आगे? किरचॉफ्स लॉ, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे, एंट्रेंस के सम्स करेंगे, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू सम्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।